मीडिया एक्शन टीवी देख, मीडिया एक्शन टीवी देख, मीडिया एक्शन टीवी जी, मीडिया एक्शन टीवी देख, मीडिया एक्शन टीवी। चल दोस्तों, मैं थोड़ा अपना विनू टिलोन, मीडिया एक्शन टीवी देख देख रहे हैं, मीडिया एक्शन टीवी, मीडिया एक्शन। महाराष्ट्र में गांव पर गिरा पहाड़, सैकड़े लोगों के फंसे होने की आशंका, बचाव के लिए आए आगे डेरा प्रेमी। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में खालापुर भूस्खलन के कारण आई बड़ी आपदा। बीते दिन रात में भारी बारिश के कारण एक पहाड़ जो ठीक गांव के ऊपर आ गिरा, जिसके कारण कई घर मलबे में दब गए। इस दर्दनाक घटना में लगभग 50 घर तबाह हो गए। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में महाराष्ट्र प्रशासन द्वारा डेरा सच्चा सौदा से मदद मांगी जाने पर मुंबई, पुणे व महाराष्ट्र के अन्य जिलों में रहने वाले डेरा सच्चा सौदा के सेवादार तुरंत पहुंचकर बचाव दल का हिस्सा बने। आपको बता दें कि यही घटना डेरा सच्चा सौदा परम सुख आश्रम कलोते मुकासी के नज़दीक इलाके की है, जिसके चलते डेरा सच्चा सौदा की शाह सतनाम जी ग्रीनस वेलफेयर फोर्स विंग की टीम लगातार बचाव कार्य में जुटे रहने के साथ साथ पीड़ितों को भोजन, लंगर, पानी आदि मुहैया करवा रही है। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। हमारे संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, इनके प्रेरणा पे चलते हुए शाह सतनाम जी ग्रीनिस फोर्स के सेवादारों ने मुंबई डेरे के पास चौंक इसलवाड़ी है जी, वहाँ पे पहाड़ गिरा है जी। उस गांव में 300 से 350 लोगों की दबने की आशंका है जी। पहाड़ों में गांव बसा है, 5 किलोमीटर की दूरी है, पहाड़ों पे चढ़ना इतना खतरनाक रास्ता है जी। वहाँ पे हमारे सेवादारों ने खाना खिलाने की और पानी पिलाने की और सैनिटाइजर करने की जो सेवा की है जी, ये सब मालिक की रहमत से हुआ है जी। वहाँ के प्रशासन ने, वहाँ के तहसीलदार से हमसे जो मदद मांगी थी तो तुरंत वहाँ सेवादार पहुँच कर उनकी सेवा की है जी। ये सब हमारे गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की दया मेहर से हुआ है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। चलो, सारे परमपिता परमात्मा के बच्चों को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सब से एक प्रार्थना है कि हम उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करने जा रहे हैं, तो आप सब लोग भी प्रार्थना सुन के हमारे साथ साथ दोहराना। हे परमपिता परमात्मा, हमारे देश में, पूरे संसार में जो बरसात के रूप में, बाढ़ के रूप में कहर टूट रहा है, कहीं गर्मी के रूप में कहर टूट रहा है, मौसम में जबरदस्त बदलाव आ रहा है, तो हे मेरे मालिक, हे मेरे राम, जिससे भी कोई पाप गुनाह हुए हैं धरती पे, तेरी प्रकृति को जो भी नुकसान पहुँचा है, उन सबको माफ करते हुए अपने इस कहर को रोक दे। बच्चों की रक्षा कर, तू रक्षक है, तू दया का सागर है, कृपा कर। और दूसरी बात, हमारी जो साथ संगत है, जैसा आपको प्रशासन कहे, सरकारें कहें, उनके अनुसार बाढ़ पीड़ितों का साथ दें, सेवा करें जाके। और अगली बात कि हम आपकी सेवा में आ गए हैं, लेकिन जैसे पहले भी आपको कहा था कि आप लोग अपने घरों में रहेंगे, जैसे आपको जिम्मेवार कहेंगे उन बातों को अमल करना है, अपने घरों में रहना है और सेवा करनी है, तो भगवान आपको बहुत बहुत खुशियां दे। जरूर बढ़ चढ़ के सेवा करना, बहुत बहुत आशीर्वाद सबको, भगवान सबको खुशियां दे। आशीर्वाद आशीर्वाद।